उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे मर्द हुआ कि आप हमेशा खुश रहे हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार साहब, मैं हूं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इडियट टेस्ला टू कॉपी एप्पल रिपोर्ट। ओए तो देखते हैं वीडियो और वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। कौन अन करते हैं वीडियो वाले वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई इस टॉपिक को लेकर कि टेस्ला को भारत में ये कहा गया है कि जो एप्पल की रणनीति है इसको कॉपी करो और इसी तरीके से आपको मेक इन इंडिया के रास्ते पे आगे चलना है। इस पर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया ने बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, एक ऐसे टाइम में जब टेस्ला की बातचीत चल रही है मेगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इंडिया में, ये जो डिमांड है कि आप एप्पल का मॉडल कॉपी करिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। और साथ ही साथ वैसे मैं आपको यही बता दूं, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस अपलोड करी थी कि चाइना की कंपनी है BYD, ये भारत में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। सिंस इनको इंडिया में काफी बार रिजेक्शन मिल चुकी है, अब इन्होंने भी कह दिया है कि हमको इंडिया में निवेश नहीं करना, हम वापस चाइना में जा रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। तो ये जो कहानी है अभी के लिए खत्म हो चुकी है। मगर टेस्ला को हाल ही में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, भारत की जो टाइगर पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि आज के समय दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसका कितना परसेंटेज आपको भारत में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 99, 10, 75 या फिर 69। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो अगर हम बात करें आईफोन के एक्सपोर्ट्स की फ्रॉम इंडिया, इंडिया में कितने आईफोन्स बेचे जा रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहा, इंडिया में असेंबल करके बाहर के देशों को जितने आईफोन्स बेचे जा रहे हैं ना, इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोस्ट रीसेंट नंबर मैंने ये देखा था कि एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स हिट टॉप गियर टच 20,000 करोड़ रुपीज इन फर्स्ट क्वार्टर। ये एक बड़ा अमाउंट है और जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये जो नंबर है ये आराम से 50,000 करोड़ या फिर 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इस बीच आपने ये भी नोटिस किया होगा कि US में, यूरोप में कई आईफोन बेचे जा रहे हैं जहां पर ये लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया। नाउ ये नोट करना, मेड इन इंडिया अभी भी लिखा नहीं होता, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता। और इसका रीज़न सिंपली ये है, अभी भी देखो ऐसा नहीं है कि आईफोन के जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इंडिया में बनाकर उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी भी आज के समय जो हम कर रहे हैं ना ये असेंबल इन इंडिया है। और इसमें वैसे कुछ ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी एप्पल के सारे जो पार्ट्स देखोगे, इनका जो प्रोसेसर है ये देखो, जो इनका डिस्प्ले पोर्ट है, जो इनका फ्लैश मेमोरी है, जो इनके पास 5G का मॉडम है, जो कैमराज यहाँ पर यूज़ होती हैं, जो बैटरीज यूज़ होती हैं, ये दुनिया भर से इकट्ठा की जाती है फिर एक कंट्री में इनको असेंबल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में आज के समय एप्पल आईफोन का कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, बिल्कुल छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, मगर ज़्यादातर एप्पल के कंपोनेंट्स बाहर के देशों से आते हैं और इंडिया में इनको असेंबल किया जाता है। चाइना में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि चाइना में ये सब पार्ट सिर्फ चाइना बनाता है, चाइना में भी आप देखो तो ज़्यादातर ये असेंबल ही करते थे। मगर एप्पल ने इंडिया में एक काम अच्छा किया है कि इंडिया में बहुत सारे ये वेंडर तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा को तैयार कर रहा है एप्पल, के बहुत ही जल्द टाटा भी इंडिया में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबलर बन जाए। एक तो एप्पल का बड़ा वेंडर है फॉक्सकॉन, जो ताइवान की कंपनी है, वो तो इंडिया में आईफोन असेंबल कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये टाटा ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कुछ और कंपनीज के साथ भी बात चल रही है, जिससे होगा क्या, भारत में नौकरियां आएंगी। देखो हमें इस बात को लेकर इतना कंसर्न नहीं है कि एप्पल आईफोन का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, मेन क्वेश्चन ये है कि इस पूरे प्रोसेस में भारत में कितनी नौकरियां आ रही हैं। और जो ये एप्पल आईफोन है इसके जितने कंपोनेंट्स आप इंडिया में बनाओगे बाय डिफॉल्ट उतनी नौकरियां आपको इंडिया में मिलेंगी। और आने वाले समय में आप देखोगे फॉक्सकॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में वेरियस कंपोनेंट प्लांट्स को बनाने में। जेन्युइनली एक टाइम आएगा जब एप्पल आईफोन के बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। नाउ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि भारत सरकार ने टेस्ला को भी सेम एग्जाम्पल दिया है, इंडिया में काम करना है, असेंबल इन इंडिया करना है, तो जैसे एप्पल कर रहा है वैसे करो। नहीं तो देखिए इलॉन मस्क की ना एक इमेज है, ये खुद भी इस चीज़ को मानते हैं, US में तो लोग बहुत मानते हैं कि ये रूल्स फॉलो नहीं करते और काफ़ी बार रेगुलेशन से ना चुपचाप निकल कर अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। आप लिटरली CNN में, उसके अलावा Fox News में इनके बारे में आर्टिकल पढ़ोगे
तो साफ साफ लिखा होता है कि इलॉन मस्क ने फिर से साबित कर दिया कि रूल्स इन पे अप्लाई नहीं होते। जिस तरीके से इन्होंने स्पेसएक्स खड़ी करी है, कहानी अपने आप में अजीब है। आप इमेजिन करके देखो, इनको स्पेसएक्स के लिए रॉकेट चाहिए था, इन्होंने उस टाइम रशियन फेडरेशन का जो पुराना रॉकेट था ना, वो कहीं से परचेज करके इन्होंने ये यूएस लेकर आ गए और रेगुलेशंस को बहुत ही क्लेवरली अवॉइड करके स्पेसएक्स खड़ा कर दिया। आज भी लोग स्पेसएक्स की जो कहानी पढ़ते हैं, उसका ओरिजिन पढ़ते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। तो इलॉन मस्क का बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी कंट्रीज इनके सामने रूल्स बनाती है, रूल से थोड़ा बहुत साइड होकर ये अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और भारत में भी टेस्ला का सेम आइडिया था, इनका प्लान यही था कि अच्छा चलो अभी यूएस गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत प्रेशर है कि जी इंडिया की तरफ ज़रा मूव करो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़रा शिफ्ट करो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे पैसा बचाते हैं अपना, इंडिया में निवेश करने से अच्छा ये है कि चाइना से ना बड़े बड़े कंपोनेंट्स सीधा इंडिया में लाते हैं, इंडिया में छोटी सी फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ पे उनको असेंबल कर देंगे, कह देंगे देखिए असेंबल्ड इन इंडिया टेस्ला कार तैयार हो गई, भारतीयों को कहेंगे कि देखिए ये आपके देश में बनी है, और लोग भी वो गाड़ियाँ परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए टेस्ला का प्लान था, मगर सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से फॉक्सकॉन को एप्पल घसीट के इंडिया लेके आया है कि बनाओ यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी होगी, टाटा ग्रुप को तैयार किया जा रहा है कि आप भी एक इम्पोर्टेंट वेंडर बनिए, सेम काम आपको करना है। अब इसमें देखो बिल्कुल सरखपाई है, इंडिया में आज के समय कोई इकोसिस्टम अभी अवेलेबल है नहीं कि टेस्ला के लेवल की गाड़ियां आराम से बन पाए, इनको पैसा खर्चना होगा, टेस्ला को पैसा खर्चना होगा, स्टार्टअप्स के साथ एग्रीमेंट्स करने होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, स्किल्ड वर्कर्स खड़े करने होंगे, इनका पैसा लगेगा, दिमाग लगेगा, मीटिंग्स लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडिया यही कह रहा है मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि चाइना के कंपोनेंट यहाँ पर ले आए, असेंबल कर दिया और सब कुछ चल गया। हाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जो पूरी टेस्ला की गाड़ी है ये इंडिया में बनेगी, इंडिया में तब भी उसको असेंबल किया जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ कंपनीज के पास तो स्किल आएगी कि टेस्ला के जो पार्ट्स है ये बनाते कैसे हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। और अगर आपको मेरी बातें सुन के निराशा हो रही है कि मैं एब्सोल्यूट बात क्यों नहीं करता, मैं 100% मेक इन इंडिया की बात क्यों नहीं करता, ये असेंबल इन इंडिया क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने PIB के थ्रू ये बताया था कि असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें मेक इन इंडिया में, तो इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। टारगेट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इनटू मेक इन इंडिया कैन रेज इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, जो उस वक्त 3.5% के आसपास था, इसको हम 2030 तक 6% के आसपास ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, रातों रात इंडिया में सब कुछ नहीं बनेगा, कई सेमीकंडक्टर हैं जो ताइवान में ही बनते हैं, अभी के लिए तो ताइवान में ही बनते हैं, बाद में अब पता नहीं आज से 2-3-4 साल बाद इंडिया में बनने स्टार्ट हो जाएं बड़ी क्वांटिटी में, वो अलग बात है। डिस्प्ले ग्लासेस की अगर हम बात करें, इन सब की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होने में अभी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि टेस्ला को कहा गया है कि अभी के लिए ना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, हम तो बिल्कुल लॉस्ट हो गए, इंडिया में तो अभी कोई इकोसिस्टम नहीं है, जैसे एप्पल ने अपने पैर जमाए हैं, एप्पल के लिए भी मुश्किलें कम नहीं थी मगर इन्होंने सोल्यूशन निकाले ना, वैसे ही तुम भी सोल्यूशन निकालो। तो अब देखना ये होगा कि टेस्ला क्या इस बात को लेकर एग्री करता है, क्या ये एप्पल की ही तरह इंडिया में धीरे धीरे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर एक टाइम पे आकर ये कह देंगे कि इंडिया इज टू डिफिकल्ट, अभी हम तैयार नहीं हैं, हम पीछे हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला कह दे कि अभी टाइम लगेगा, हम देखेंगे वगैरह, क्योंकि इनको इंडिया में प्रॉपरली मूव करने के लिए बिलियंस खर्चने होंगे। तो ये टॉपिक देखो बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि टेस्ला इंडिया में आता कैसे, इनके वेंडर कौन बनते हैं, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पर कि इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है ये हाल ही में 24% और बढ़ गई, और दुनिया में अब टाइगर पॉपुलेशन जो है उसका कितना परसेंटेज इंडिया में है, तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी 75%। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज नाउ होम टू 75% ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं,
डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया और भाई इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एलन मस्क की पहले भी सुनी थी कि एलन मस्क जो है वो चाहता है कि मैं इंडिया की जो मार्केट पे कब्जा करूं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहता, जो उनकी शर्तें हैं। इस तरह वो पिछले दिन वो गाड़ी के ऊपर भी हमने एक वीडियो की याद होगी आपको, वो टाटा की गाड़ी पे जो मतलब इन्होंने बात की थी, किसी ने अभी मुझे याद नहीं, लेकिन भाई ये उस पहले वक्त भी यही चल रहा था, ये काफी अच्छे से चल रहा है कि एलन मस्क जो है वो आना चाहता है, लेकिन मार्केट में लेकिन वो चाहता कि मैं अपने रूल अप्लाई करूं इंडिया के ऊपर, इंडिया के रूल को फॉलो ना करूं, ज्यादा प्रॉफिट लूं और इनको कम प्रॉफिट दूं, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स की मांग। और ये हर चीज तो टैक्स लगा दे रहा है ना, इंडिया को एयरपोर्ट भी सारा दे रहा है, ये असल में बचना चाहता है, ये इंडिया से इग्नोर कर रहा है कि इंडिया में नहीं आना चाहता। तू अपने अमेरिका ने प्रेशर दिया, जब मोदी जी की जब गई है उधर दौरा हुआ है, अभी नया मुलाकात भी हुई, उन्होंने बोला भी मुलाकात भी हुई, कहा कि भाई हम लाएंगे बड़े बिजनेसमैन, लेकिन उसकी सोच यही है कि भाई वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है गुंगलुआ तो मिट्टी लाने वाली गल, तो ये एलन मस्क जो है ये यही चाहता है कि बस थोड़ा बहुत उधर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करूं, फॉर्मेलिटी चाइना से स्पेयर पार्ट जो है वो मंगा के उधर ही बनाऊं और उधर असेंबली करके तो चल जी हो गया। लेकिन ये भी तो तारक भाई देखो ना, अमेरिका में वो रहता है लेकिन अमेरिका के भी रूल नहीं फॉलो करता, देखो रूस के, रूस के जो उसने खरीदा था तगड़ा है, कोई और देखता रूस से तो इतराज कर देते अपने बंदे जो चलती इन बड़े बड़े बिजनेस मैनों की वजह से, अब वो दुनिया का अमीर शख्स बन गया। लेकिन जेब ने देखा जिस तरह एप्पल के सारे पार्ट्स तकरीबन बैठ गए थे, वो नॉर्मल से अब शुरू हुए इंडिया के अंदर बनने के, अगर इस तरह ये भी चाइना से पार्ट्स मंगवाकर इधर असेंबल कर दो तो एक्सपोर्ट भी तो इनकी बढ़ेगी, तो इंडिया भी तो नहीं ना चाह रहा है 2030 तक बो रहे थे भी 6% तक वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जो है आईफोन के जो एप्पल के जो बढ़ाए कितने 20,000 करोड़ के, हाँ वो फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 करोड़ के इतने बेचे हैं, तो सैंपल ही क्या इधर से एक्सपोर्ट ही ना तो ज्यादा तो इंडिया को, अगर सैंपल भी इधर असल कंपनी के सके मुल्क इंडिया के अंदर है अमेरिका, अमेरिका तो भाई ये असेंबल भी हो तो फिर भी चलो कम कहीं ना कहीं इंडिया का नाम तो आता है और जो इंडियन है उनको चीजें भी तो सस्ती मिल जाती हैं टैक्स के बगैर, अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करे चीज तो वो महंगी पड़ती वो है, अगर इधर ही सैंपल होगी तो वो सस्ती पड़ेगी हमारे के पास तो भाई। और इस तरह की इंडियन के पास कोई गाड़ी है ही नहीं टेस्ला की जिस तरह की गाड़ी है, बहुत लेकिन वो बात नहीं है ना, वो तो अलग टेक्नोलॉजी है ना, नाम पहचान की है ना, इंडिया चाहता है हमारे मुल्क में हमारी ही पहचान बने, तो वो चाहता है की इंडिया के अंदर काम भी हो जाए लेकिन नाम कब्जा करना चाहता है लेकिन इंडिया को फायदा नहीं देना चाहता, इस बात उसका मकसद है कि मेरी टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बिके, क्योंकि इंडियन के पास बिजनेसमैन है बहुत पैसा है, इंडिया की सोच ये होती है कि भाई कम से कम हम वो चीज खरीदें जो इंडिया में बनती है, उसके ऊपर एक तो टैक्स जो है वो कम लगता है, लेकिन एक इसका इंडियन तारक भाई करते हैं इसका एक ड्रॉबैक भी होगा, दूसरी कंपनी हो सकता है उसकी जो सेल वो कम पड़ जाए, दूसरी कंपनी को फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, इतनी बड़ी कंपनी आएगी इंडियन के पास बहुत पैसा है, वो उनको छोड़कर पैसा उस तरफ भागेंगे ऐसे ही, तो वो तो जो है जो बिजनेस मैन है बड़े तगड़े बंदे हैं वो आज भी वही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इधर असेंबल होगी तो रेट कम हो जाएगा तो लोगों का जान जाएगा, सारी जो बड़ी 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 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, आम बंदे इस्तेमाल करते हैं, देखा जाए तो इंडिया की वो महिंद्रा की देख ले गाड़ी, टाटा की वो 10-12 लाख गाड़ियां इतनी बहुत कमाल की गाड़ी आ जाती है,
तो हमारे पास तो 10-12 लाख की वैगन आर भी है थी, वो भी 25 वो भी महंगी होगी बेटा, 20 लाख के ऊपर होगी, वो भी 25 लाख की होगी, पहले पिछले साल 15 लाख की थी, 14-15 की थी तकरीबन, 20-25 लाख आप तो हर बंदे की पहुंच से दूर होगी, दूर होगी भाई। तो ठीक है भाई, अगर इधर टेस्ला आता है और इधर इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो कॉपी करे जिस तरह एप्पल कर रहा है कि कुछ चीजें इधर भी प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो, तो फिर रोजगार कितना आएगा, सभी चीजों का देखना पड़ेगा। अगर वक्ती तौर पर वो मतलब इधर से मैन्युफैक्चर नहीं करता, सिर्फ असेंबल ही करता, तो देख एक इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा, ये भी तो मेन मकसद है भाई साहब, कुछ वादा कर लीजिए, उसके साथ थोड़ा सा वादा कर लेना तो कुछ ना कुछ ज्यादा भी तकरीबन जाकर ये फंस जाएगा, तो भाई साहब उसको प्रेशराइज करके बिल्कुल बढ़ा भी तो अपना मतलब निकाल सकते हैं, ये तो नहीं कि साफ इनकार ही कर दिया जाए, जब प्रेशराइज किया जाता है तो भाई जहाँ पर उनको फायदा दिखता है बिजनेसमैन की यही सोच होती है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करने जहाँ पर जिसको प्रॉफिट नजर आती है, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तो आईटी में इंडिया काफी आगे है, इंडियन वो तो जो स्किल्ड वर्कर है वो भी आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पर, तो नए तरीके से जो टीम को ट्रेनिंग देनी होती है वो जल्दी सीख भी जाएंगे, तो अगर चाहे तो वो कर भी सकते हैं, मुआदे भी हो सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रूप बताइए कॉमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।